अस्सलाम वालेकुम। जिस यूनिवर्सिटी में टीचिंग से रिलेटेड जो जॉब आए हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ। प्रोफेसर के निकले हैं, बीएस मतलब बेसिक स्केल जिसका है 21, टीटीएस का एज है 45 से लेके 50 इयर्स तक, और सब्जेक्ट्स उसमें जो है कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, जियोग्राफी है और सोशियोलॉजी है। ये हो गए प्रोफेसर की। अभी हम आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की तरफ, जिसकी बेसिक स्केल है 20, टीटीएस उसकी नाम है, एज उसमें 35 से लेके 50 तक एलिजिबिलिटी है, और सब्जेक्ट्स जिसमें रिक्वायर्ड है वो है कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी भी उसमें इन्वॉल्व है। अगर हम तीसरी पोजीशन की तरफ आ जाए तो वो है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी बेसिक स्केल है 19, टीटीएस एज है 35 से लेके 45 ईयर्स तक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी है। इस तरह हम अभी लेक्चरर्स की तरफ, लेक्चर की जॉब जो है 18 स्केल के जो जॉब्स हैं वो है 21 से 35 ईयर्स एज की एलिजिबिलिटी है। सब्जेक्ट अगर हम देख लें तो उसमें है बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश जो लिटरेचर में आता है, जियोग्राफी, माइक्रोबायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। ये सब हो गए लेक्चर्स के। अभी ये इसमें आप अप्लाई कर सकते हो वेंसडे 15 अप्रैल 2020 से, मतलब ये है कि इसके जो एप्लीकेशन निकलेंगे वो 15 अप्रैल से वेंसडे को निकलेंगे। इस तरह एप्लीकेशन फॉर्म आप www.gcu.edu.pk से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है फ्राइडे 15 मई 2020, मतलब एक जुम्मे का दिन 15 मई 2020। आप इसमें अगर कोई एप्लीकेंट हो वो जॉब ऑलरेडी कर रहे तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल भी अप्लाई कर सकते हैं। इधर नीचे जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर कर सकते हो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म के लिए और अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है, आप उसके थ्रू जाके अप्लाई कर सकते हो। कोरोना वायरस की वजह से आप इसमें मतलब कि आप प्रोसेसिंग में आपको और भी टाइम मिल सकता है। इसके अलावा आप ऑनलाइन अप्लाई करके हो सकता है, तो अप्लाई में देर ना करें, 15 मई से पहले अप्लाई करें और इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बने। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।